हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा और आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन वन होम एक्सपर्ट में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौंग लत्ता रेसिपी। इसे लवंग लत्ता भी कहते हैं। तो ये जो रेसिपी है ना, वो एक स्वीट डिश है। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो लौंग लत्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले स्टफिंग तैयार करूँगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। और अब मैं इसमें हाफ कप डालूंगी सूजी, जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। और सूजी को हम ज़्यादा नहीं, बस लाइट ब्राउन कलर आने तक ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सूजी को बस हम इतना ही रोस्ट करेंगे। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और सूजी को हम साइड में रख देते हैं। सूजी जब तक ठंडी हो रही है, चलिए तो तब तक हम डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। और अब मैं डालूंगी इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच घी मऊन के लिए। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, तो बस आटे में घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि ये देखे बाइंड होगा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और एकदम पूड़ी की तरह टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, तो डो हमारा रेडी है। तो बस अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। चलिए तो इसे हम ढककर रख देते हैं और तब तक हम बची हुई स्टफिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ खोआ। ये घर का बना हुआ खोआ है। अगर आप मार्केट का खोया यूज़ करें तो उसे पहले 3 से 4 मिनट भून लें। और अब मैं डालूँगी इसमें ये सूजी, जिसे मैंने रोस्ट करके पहले ही रख लिया था। और अब गई ये 1/2 कप शुगर। यहाँ मैं शुगर को ऐसे डायरेक्ट डाल रही हूँ, अगर आप पाउडर शुगर चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। और अब गए ये ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं काजू, बादाम और नारियल ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें शुगर आप कम ही डालें, क्योंकि लास्ट में हम चाशनी में भी इसे डिप करेंगे। तो लीजिए, हमारा ये मिक्सचर बनकर रेडी है। चलिए तो इसे हम साइड में रख देते हैं और चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप शुगर। और अब मैं डालूँगी जितनी शक्कर उतना पानी, यानी कि 1 कप पानी। और बस अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से उबाल आने तक उबाल लेंगे। और हमें इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। देखिए, चाशनी में उबाली आ चुकी है। और अब मैं डालूंगी इसमें ये केसर कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो ना डालें। और अब ये डालूंगी मैं इलायची, ऐसे ही खोलकर डाल दूंगी बस। चलिए तो मैं अब चेक कर लेती हूँ चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। देखिए, अभी चाशनी अच्छे से नहीं बनी है, तो 2 मिनट और पकाएंगे। लीजिए, तो 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाशनी भी बस रेडी है। चलिए तो हम इसे बंद, गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढककर रख देते हैं। और अब हम लौंग लत्ता बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, हमारी मैदा भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए हम लौंग लत्ता बनाकर तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम ये मैदा का 1 पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे और इसे हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे। इसमें आटे का यूज़ नहीं करना है, इतना टाइट डो तैयार करना था हमें। बस हम हल्का सा ऑयल लगाकर इसे पूड़ी की तरह बेल लेंगे। देखिए, मैंने ये बेल लिया है। और अब मैं रखूंगी इसके बीचों बीच स्टफिंग। और
चारों तरफ से पानी से हम इसको ग्रीस करेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए। लास्ट में हम तिरछा करके इस तरीके से, आप देख रहे हैं ना, ऐसे हम लौंग लगाएंगे। और लीजिए हमारे लौंग लत्ता तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे लौंग लत्ता बनाकर तैयार कर लूंगी। लीजिए तो मेरे सारे लौंग लत्ता बनकर तैयार हैं। चलिए तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है, और देखिए यहाँ हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। चेक कर लेते हैं, देखिए आटा धीरे धीरे आ रहा है ऊपर। तो बस हमें इतनी ही गर्म कढ़ाई चाहिए है, क्योंकि हमें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए है। याद रखें बिल्कुल तेज कढ़ाई पर हमें इसे फ्राई नहीं करना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए हम इसे लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ पलटते हुए इनको फ्राई करेंगे। देखिए इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है बस। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। लीजिए तो हमारे लौंग लत्ता फ्राई हो चुके हैं। चलिए तो अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल कर चाशनी में डिप कर लेते हैं। इन्हें हम 5 मिनट के लिए चाशनी में रखेंगे। लीजिए तो हमारे लवंग लत्तिका या लौंग लत्ता सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट कर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।